अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज़ी स्टिचिंग एंड पेंटिंग। तो आज मैं आपको फ्लावर बोर्ड पेंटिंग दिखाने वाली हूँ और इसका ट्रेलर भी मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो पहले हमने पॉट बनाना था, तो हमने पॉट को बनाने के लिए ब्राउन और वाइट कलर को मिक्स करके पूरे पॉट में फिल कर दिया। फिर ब्राउन कलर से हम इस तरह से इसमें लाइनिंग डालेंगे। अब ये लाइनिंग का वर्क हमारा ख़त्म हुआ। अब हम इस तरह से लाइनिंग डालेंगे। और ये जो आप कर्व लाइन देख रहे हैं, तो इसके बीच में जो स्पेस है हम उसमें वाइट कलर फिल कर देंगे। ऐसा बनाने से हमारा पॉट जो है वो वुडन लगेगा। हमने पॉट के बेस पे बस शेडिंग ही देना है दोनों तरफ से।
और ये पॉट का कॉर्नर हम इस तरह से कर्व कर देंगे। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। तो अब आते हैं हम अपने पॉट के हैंडल पे। तो हैंडल को बनाने के लिए भी मैंने वही कलर यूज़ किया है जो मैंने पॉट को बनाने के लिए किया। और ये हैंडल में हम इस तरह से लाइनिंग लाइनिंग डालकर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हम लीफ को बनाएंगे। तो लीफ को बनाने के लिए हमने सैप ग्रीन कलर लीव्स में फिल कर देना है और साइड साइड में वाइट कलर ही छोड़ देना है। अब हमने वाइट कलर में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सेब ग्रीन कलर मिक्स करना है और इससे हमारा जो है ग्रीन कलर बहुत ही लाइट हो जाएगा। फिर हम अपने रियल सेब ग्रीन कलर से और वो लाइट ग्रीन से हम इसमें स्ट्रोक देंगे। इसी मेथड से हमने सारे लीव्स को रेडी कर लिए हैं। अब हमने मिड रिब भी वही लाइट ग्रीन से बनाया है जो हमने लाइट ग्रीन कलर, सेफ ग्रीन कलर और वाइट कलर को मिक्स करके बनाया था। अब हम एक छोटा सा फ्लावर भी बना लेते हैं। तो फ्लावर को बनाने के लिए हमने पहले इसमें फिर से वाइट कलर फिल किया है ताकि हमारा गीला हो जाए वाइट कलर, क्योंकि हमारा जो पहले से वाइट कलर कोट किया हुआ था वो तो सूखा हुआ था। अब हम इसमें हमारा जो फ्लावर का शेप बना हुआ है उसके कॉर्नर से लेकर के ब्लू कलर से लाइन डालेंगे और फिर हम उसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। फिर ऊपर से एक लेयर और ब्लू से हम शेडिंग डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्स भी कर देंगे। अब हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे वन स्ट्रोक मेथड से।
तो हमने इसमें वाइट और पर्पल कलर यूज़ किया स्ट्रोक देने के लिए। इससे आगे मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।